एक मुखिया ऐसा भी जिसने ग्राम पंचायत 12 MLD की तस्वीर बदल दी। ग्राम पंचायत 12 MLD इन दिनों विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे कार्य है जो पिछले 15-20 वर्षों से नहीं हुए, वे इन दिनों प्रगति पर हैं। चाहे वह शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की हो या हर प्रकार से विकास कार्य प्रगति पर है। सरपंच कलावती मेघराज चौहान ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले देश की नींव शिक्षा के मंदिर राजकीय विद्यालय में सुंदरीकरण अन्य सुविधाओं पर ध्यान देते हुए विकास कार्य करवाए। इसके बाद आयुर्वेदिक औषधालय के विजिलेंस सेंटर में क्रांत करवाने में अहम योगदान रहा। इसके साथ ग्राम पंचायत में लाइट, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए विकास कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं। जो जोड़ की सफाई का कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार किया जा रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। यह जोड़ जो है 12 MLD के अंदर जो बना हुआ है, इसकी जो सफाई है, मिट्टी की जो खुदाई थी, उसको लगभग 15 साल से ऊपर का समय हो गया था। और उसके इस बीच में कभी भी किसी भी तरह से इसकी सफाई नहीं हो पाई थी। तो अब जैसे कि पानी की जो बंदी है चल रही है, और इसमें लगभग पानी सूख गया था, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न हम एक जन सहयोग से इस जोड़ की खुदाई करवाएं, ताकि जो कम से कम जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी का स्रोत अन्य कहीं पर जगह पर नहीं है। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और इसके लिए मुझे भी पूरे गांव का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, और यह कार्य प्रगति पर चल रहा है। और उम्मीद है कि कल शाम तक हम इस पूरे जोड़ को अच्छी तरह से साफ करके, और जो पेयजल पीने के लिए आ रहा है, तो परसों तक हम इस जोड़ के अंदर पूरा पानी भरवा देंगे। पिछले 15 वर्षों से पशु पिलाने के स्थान की सफाई नहीं हुई, फिलहाल सरपंच द्वारा जन सहयोग से यह कार्य करवाया जा रहा है।